संजय परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन फॉर टी जी टी पी जी टी मैथमेटिक्स के लिए वीडियो नंबर 4 है। इसमें क्वेश्चन है, दो मनुष्य एक रेल के डब्बे में जिसमें से 6 जगह खाली हैं घुसते हैं, यानी कि 6 जगह पे दो व्यक्ति घुस रहे हैं, 6 सीटें खाली हैं, बताओ कि वह कितने भिन्न भिन्न प्रकार से बैठ सकते हैं, यानी कुल सीटें वो एन इक्वल टू 6 है, 6 सीटें हैं, पर्सन हैं दो पर्सन जा रहे हैं और 6 सीटों पर बैठना है, यानी एन पी आर का फॉर्मूला लगेगा। 6p2 ⋅ 6 / ⋅ 6 - 2 ⋅ 6 / 4 = 6 × 5 × ⋅ 4 × 4 × 4 कैंसिल, आंसर आया 30। यानी 30 प्रकार से बैठ सकते हैं दो मनुष्य, 6 सीटों पर 30 टाइप से बैठ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द दिल्ली के DELHI के अक्षरों को क्रम से रखने में कितने शब्द बन सकते हैं, चाहे कोई भी शब्द निरर्थक क्यों ना हो। यानी दिल्ली में शब्द हैं हमारे के अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं, DELHI में जो अक्षर हैं 3, 2, 5 हैं DELHI, और उनको ही फैक्टोरियल 5 टाइप से परम्यूट किया जा सकता है, इधर उधर उनको बदला जा सकता है। तो दिल्ली में जो टर्म्स थे वो थे 5 DELHI, इसमें जो अक्षर है से कितने शब्द बन सकते हैं, कि अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं, तो 5 हैं या फैक्टोरियल 5 टाइप से इनको परम्यूट किया जा सकता है। फैक्टोरियल 5 यानी कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 120 आ जाएगा, 120 टाइप से इसमें परम्यूट किया जा सकता है, यानी कि इसके शब्द बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, एक अक्षर ताला, अक्षर ताला यानी कि जो रिंग वाला ताला होता है, गोल ताला, उस पर नंबरिंग पड़ी होती है घुमाने वाले में, और जो एक फिक्स नंबर होता है उसी पर वह खुलता है। एक अक्षर ताले में 3 चक्र हैं, यानी कि 1 चक्र 2 चक्र एंड 3 चक्र, 3 उसमें राउंड बने हैं। अक्षर ताले में 3 चक्र हैं तथा प्रत्येक चक्र पर 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, इस तरह से उस पर सब पे 9 अंक होने हैं तीनों चक्रों पर। तो क्वेश्चन है, ताला खोलने के लिए कुल कितनी संभव स्थितियां हैं, कोई व्यक्ति ताला खोलने में कितने प्रकार से असफल हो सकता है। तो आंसर है, इसका सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, एक चक्र में खुदे हुए कुल अंक हैं वो 10, 0 से लेकर 9 तक उसमें आएंगे 10। 3 चक्र में ताला खोलने की कुल संभव स्थितियां 10 की पावर 3, यानी एक चक्र में कुल अंक है 10, 3 चक्र में 3 बार में यानी कि 3 चक्र में ताला खोलने की संभव स्थिति आएंगी 10 की पावर 3, यानी कि 1000 आएंगी, 1000 टाइप से उसमें नंबर बन पाएंगे। ताला एक ही प्रकार से अंकों द्वारा खोला जा सकता है, यानी एक नंबर उसमें फिक्स होगा, किसी नंबर से खोला जा सकता, यानी जैसे होगा 654 हो या कुछ हो, मतलब एक फिक्स नंबर हो जिसको बीच में लाने से ही चाबी उसमें लगती है और ताला खुलता है। यानी कि ताला एक ही प्रकार की अंकों द्वारा खोला जा सकता है, अतः ताला खोलने की कुल संभव स्थितियाँ वो 1000 थी, और ताला खोलने के असफल रहने के जो प्रकार हैं, यानी एक प्रकार से खोल पाएगा, और 1000 - 1 यानी कि 999 प्रकार से कोई व्यक्ति ताला खोलने में असफल रह सकता है। यानी ताला खोलने में जो असफल होने के प्रकार होंगे वो होंगे 999। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 PR = 1320, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ R, R का वैल्यू फाइंड करना है। 12 PR = 1320, तो 1320, ये 12 PR टूटेगा ⋅ 12 / ⋅ 12 - R, एंड 1320 के जो फैक्टर्स होते हैं उनका 12 11 × 10, तो का 12 11 × 10, ठीक है, ये होगा 1320। यहाँ पे फैक्टोरियल 12 है, इसको फैक्टोरियल 12 बना लें, यानी फैक्टोरियल 9 से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग कर दें। 12 11 10 1320 था, 1320 के इक्वल ये था
12 इंटू 11 इंटू 10 ये था 1320। फैक्टोरियल 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो ऊपर फैक्टोरियल 12 बन जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल 12 है, 12 माइनस आर है, यहाँ फैक्टोरियल है, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अब फैक्टोरियल वाले टर्म हैं एक साथ लिए जा सकते हैं। 12 माइनस आर इक्वल टू फैक्टोरियल 9, यानी कि 12 माइनस आर इक्वल टू 9, 12 माइनस 9 इक्वल टू आर, 3 इक्वल टू आर, एंड आर की जो वैल्यूज है वो आ जाएगी 3।